अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा सात मरले पर मुश्तमिल ब्रांड न्यू कॉर्नर का बहुत ही खूबसूरत और शानदार घर। ये आप घर का फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं जो कि डबल साइड है और टाइल वर्क और रॉक वॉल के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज से डिजाइन किया गया है। और इस घर की जो डायमेंशन है वो 35x45 है, मुकम्मल सात मरले है। और आज के इस वीडियो में आपके सामने घर की मुकम्मल डायमेंशंस भी आती रहेंगी, टीवी लॉन्च, गिराज, किचन्स, वॉशरूम्स की। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके सामने वीडियो में सारी डिटेल्स बरवकत आती रहें। घर की लोकेशन, घर के प्राइस, घर का खूबसूरत डिजाइन और कॉन्टेक्ट नंबर। तो आइए आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। ये इसका गिराज है जिसमें आप एक बड़ी गाड़ी बिल्कुल आसानी से खड़ी कर सकते हैं। और गिराज की डायमेंशन आपको बताते चले, 17:0x11:0 इसकी डायमेंशन है। और इसी तरह से गिराज में ऊपर सीलिंग डिजाइन, ये इस साइड पे ऑफिशियल गिराज के साथ खूबसूरत डिजाइन, सामने डबल निश के लिए जगह और बिल्कुल सामने मैन डोर। और इसी तरह से इस साइड पे फ्रंट स्पेस जो कि 5 फुट की है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी लाजमी दबा दीजिएगा। तो आइए आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। ये स्टेयर्स लॉबी है, आपको लॉबी की डायमेंशन बताते चले, 9:5x7:5 है। ये इस साइड पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, सीढ़ियों के नीचे पाउडर रूम, सामने दीवार पे खूबसूरत डिजाइन। और इसी तरह से इस साइड पे टीवी लॉन्च में जाने के लिए रास्ता। ये डबल हाइट्स लॉबी का आपको फुल व्यू दिखाते चलें। तो आइए आपको टीवी लॉन्च में लिए चलते हैं। ये टीवी लॉन्च में इस साइड पे बेडरूम और बिल्कुल बेडरूम के साथ ही नीचे वाले पोर्शन का किचन और सामने विंडो और बिल्कुल उसके साथ ही एलईडी पॉइंट और उसके साथ ही दूसरी विंडो। आपको टीवी लॉन्च दूसरी साइड से दिखाते चलें। ये मेन डोर, सामने बेडरूम, किचन। और आपको टीवी लॉन्च की डायमेंशन बताते चलें, 21:5x18:4 इसकी डायमेंशन है। और टीवी लॉन्च में ऊपर सीलिंग डिजाइन फानूस के साथ। और ये नीचे टाइल वर्क माशाल्लाह, नीचे से लेके ऊपर तक मुकम्मल जो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है वो 2x4 टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है पूरे घर में। और ये एलईडी पॉइंट। तो आइए आपको किचन में लिए चलते हैं। किचन के आपको डायमेंशन बताते चलें, 12:0x10:3 इसकी डायमेंशन है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ किचन को डिजाइन किया गया है, मुकम्मल यूवी शीट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये किचन में इस साइड पे आप देख सकते हैं जो कि दरवाजा है बाहर बैक गली के लिए। यहाँ पे आप लॉन्ड्री के लिए इस एरिए को यूज कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ किचन को डिजाइन किया गया है, वसी और कुशादा किचन है, सेपरेट किचन है। और ये किचन में ऊपर सीलिंग डिजाइन और ये किचन का फुल व्यू। आपको बाहर लॉन्ड्री एरिया दिखाते चलें। ये यहां से आप देख सकते हैं ऊपर छत के लिए सीढ़ियां यहीं से दी गई हैं।
और सामने दीवार पे आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल्स का बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ इस्तेमाल किया गया है। और घर का एक दरवाजा यहाँ से भी है, अगर आप बाइक्स वगैरह इधर बैक साइड पे खड़ी करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 बाइक्स आसानी से खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे वाले पोर्शन के बेडरूम में लिए चलते हैं। ये मैन बेड है, इसकी आपको डायमेंशन बताते चलें, 17.0x10.3 इसकी डायमेंशन है। इसमें भी बिल्कुल सामने अटैच वॉशरूम, विंडो और ये इस साइड पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अलमारी। आपको बेडरूम दूसरी साइड से दिखाते चलें, ये विंडो के साथ ही अलमारी, सामने दरवाजा, उसके साथ ही शीशे के साथ डिजाइन और इसी तरह से इस साइड पे खूबसूरत डिजाइन दीवार पे। और ये नीचे टाइल वर्क, जैसा कि आपको बताया था कि 2x4 टाइल्स के इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिजाइन। ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, इसकी डायमेंशन आपको बताते चलें, 10.0x5.25 इसकी डायमेंशन है। खूबसूरत अंदाज के साथ वॉशरूम्स को डिजाइन किया गया है, मुकम्मल इंपोर्टेड काम किया गया है इसमें। इसके बाद आपको लॉबी के जरिए लिए चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, जहां पे 3 बेडरूम्स, टीवी लॉन्च, किचन और डबल टेरेस एरिया आ जाता है। ये लॉबी का आपको फुल व्यू दिखाते चलें। ऊपर वाले पोर्शन में 2 बेडरूम्स बैक पे आ जाते हैं और बिल्कुल सामने किचन, उसके साथ ही एलईडी पॉइंट और इसी तरह से एक बेडरूम फ्रंट पे आ जाता है। ऊपर वाले टीवी लॉन्च की आपको डायमेंशन बताते चलें, 13.4x10.5 इसकी डायमेंशन है। ये नीचे टाइल वर्क और बिल्कुल सामने सीढ़ियां। और ये एलईडी पॉइंट, ये ऊपर वाले पोर्शन का किचन है जिसकी डायमेंशन 10.0x5.2 है। खूबसूरत अंदाज के साथ इस किचन को भी डिजाइन किया गया है, मुकम्मल वेंटिलेशन के साथ। ये इस किचन का फुल व्यू। इसके बाद आपको फ्रंट वाले बेडरूम में लिए चलते हैं, जो कि ऊपर वाले पोर्शन का मेन बेड है। ये सामने विंडो और इसी तरह से सामने दीवार पे खूबसूरत वॉलपेपर वर्क और टेरेस के लिए रास्ता, उसके साथ ही अटैच वॉशरूम। इस बेडरूम की आपको डायमेंशन बताते चलें, 18.0x10.75 इसकी डायमेंशन है। ये नीचे टाइल वर्क और इसी तरह से ऊपर बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ सीलिंग डिजाइन, डबल हाइट्स पर यह बेडरूम है। और ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है जिसकी डायमेंशन 11.0x8.0 है। और इसके साथ ही आपको इस घर की लोकेशन बताते चलें, अलकबीर टाउन फेज 2 मेन रेवन रोड लाहौर इस घर की लोकेशन है। अलकबीर टाउन फेज 2 मेन रेवन रोड लाहौर इस घर की लोकेशन है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। ऊपर वाले पोर्शन के बैक वाले बेडरूम में हम आ गए, इसकी आपको डायमेंशन बताते चलें, 12.0x10.5 इसकी डायमेंशन है। इसमें भी बिल्कुल सामने अलमारी, उसके साथ ही विंडो और ये इस साइड पे अटैच वॉशरूम। ये नीचे टाइल वर्क, सामने अलमारी और विंडो। और इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिजाइन। और ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है जो कि बैक वाले दोनों बेडरूम्स के साथ कॉमन आ जाता है। और इस वॉशरूम की आपको डायमेंशन बताते चलें, 9.0x5.0 इसकी डायमेंशन है। इसके बाद आपको बैक वाले दूसरे बेडरूम में लिए चलते हैं, इसके साथ ही आपको इस घर की प्राइस बताते चलें। इस घर की जो डिमांड है वो 1.70 करोड़ रुपए है। 1.70 करोड़ इस घर की डिमांड है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कीजिएगा, आप ये घर विजिट कीजिएगा। इस बेडरूम की भी डायमेंशन सेम है, 12.0x10.5 है। और इसी तरह इसमें ये ऊपर सीलिंग डिजाइन।
ये इस बेडरूम का टेस्ट वॉशरूम है जो कि आपको मैंने दूसरी साइड से भी दिखाया है, जो कि कॉमन है दोनों बेडरूम्स के साथ। और इसकी आपको डायमेंशन बताई थी 9.0x5.0। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, घर विजिट कीजिएगा, ऑफर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन हजरात के पास अपने जाती घर नहीं है, अल्लाह ताला इसके हलाल से हम सबको अपने जाती घर अता फरमाए। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी नेक दुआओं में हमेशा से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।